गाइस, आज अपन देखने वाले कि कैसे हमारे ये बेन 10 का जन्म हुआ और ये बेन से बेन 10 कैसे बन गया और भाई आखिरकार ये कैसे निपटता है। तो चलो फिर जल्दी से एक सब्सक्राइब दबाओ और अपन वीडियो में अंदर घुसते हैं। चलो बेटा लोग, तो आज हम फाइनली अपने ट्रिप पे जाने वाले हैं। एंड ग्वेन एंड बेन, मैं तुम दोनों को पहले ही समझा दिया हूँ कि कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। वेरी गुड बेटा लोग, चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं। सब अपने अपने बोरिया बिस्तर बांध लो, आज हमारी फाइनली वो ट्रिप होने वाली है। अरे वाह, लगता है बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, मजा तो बहुत आने वाला है। आखिर हमें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा ग्रैंडपा? समय का तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हम आज सुबह से निकले हैं, अभी रात हो गई है, कुछ घंटे और लगेंगे फिर हम फाइनली पहुँच जाएंगे। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। बस हम पहुंचने वाले हैं बेटा, कम से कम 2 घंटे का रास्ता बचा है। ग्रैंडपा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे 1 मिनट बेटा, ये क्या हो गया, गाड़ी अचानक से बंद कैसे हो गई? लगता है ये रात से बहुत चल गई है। अरे यार, इसके इंजन से तो धुआं आ रहा है। अरे नहीं नहीं, लगता है मेरी पुरानी गाड़ी जवाब दे गई। ग्रैंडपा, अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? अरे बेटा, लगता है हमें आसपास कोई जगह देखकर आज की रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। काफी लेट नाइट हो गई है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। कैंपिंग का सामान उतार लाओ, हम फटाफट चलते हैं और कहीं पे सामान देख कर सोते हैं। अरे ग्रैंडपा, आखिर हमारा टेंट लगना कब खत्म होगा? बस बस बेटा, 2 मिनट और है। बक बक करने के बजाय तुम्हें मेरी मदद करनी थी, मुझे नींद आ रही है। अरे सॉरी ग्रैंडपा, अरे चलो मदद करते हैं। अरे बेटा, अब मदद की कोई जरूरत नहीं है, अब तो टेंट भी लग गया है, पानी का मस्त बहाव है, आज बाहर में सो चलते हैं। चलो, काफी रेत हो गई है, मैं तो सो रहा हूँ, तुम दोनों भी सो जाओ, सुबह मिलेंगे बेटा, कोई तमाशा नहीं। अरे यार, यहाँ तो हम एंजॉय करने आए थे, लेकिन ग्रैंडपा एंड दीदी तो सो गए। अरे वो क्या दिख रहा है वहाँ पर आसमान पे? अरे वो देखो, आसमान से कुछ गिरा है, वो क्या है? चलो मैं एक बार चलकर देखता हूँ, वो आसपास ही गिरा है और मुझे लगता है वो मेरे लिए ही गिरा होगा, क्योंकि यहाँ तो सब सो रहे हैं, एक लौता बस मैं ही जग रहा हूँ। आह, कितनी बढ़िया जगह है ये, यहाँ पर पानी का बहाव है और तारे भी टमटमा रहे हैं। वो देखो सामने है कुछ, लगता है मुझे चलकर उस चमचमाती हुई चीज को देखना चाहिए, लेकिन मुझे पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रैंडपा ने हमेशा बोला है कि पानी से बचकर रहो। अरे ये देखो, यहाँ तो कुछ चमक रहा है, ये क्या? मैं इसके अंदर धस क्यों रहा हूँ? ये देखो, इसके अंदर तो कुछ रखा हुआ है, आखिर ये क्या है? ये तो एक घड़ी जैसा दिख रहा है, चलो पहनता हूँ। अरे बेन, तुमने बेन को देखा है क्या? नहीं तो। अरे बेन, बेटा बेन, अरे यार ये बेन कहाँ चला गया? पानी का बहाव तो इस तरफ जा रहा है, अगर ये थोड़ा सा भी डूबा होगा या फिर इसका पैर फिसला होगा तो ये पानी के बहाव से इस तरफ ही जाएगा। मैंने उसे पानी से दूर रहने को कहा था, तो हो सकता है वो पानी से दूर रहने के लिए इधर घूमने के लिए चला गया होगा। यार अगर वो मुझे आज रात को नहीं मिलता है तो बहुत समस्या हो जाएगी, यहाँ पे जंगल के बीच में कुछ भी चीज सेफ नहीं है, और मेरा छोटा सा बच्चा है ये बैन, कहाँ चला गया? अरे वाह, ये तो कितनी बढ़िया वॉच है, मेरे हाथ में भी बिल्कुल फिट हो गई। अरे वाह, चलो इसमें ये घुमा कर देखता हूँ, ये क्या है, घूम जा। अरे ये मैं क्या बन गया हूँ, बाप रे बाप, हर जगह आग क्यों लग रही है, और लगता है मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी है। अरे बाप रे, मेरे तो मुंह से भी आग निकल रही है, ये क्या हो रहा है, बाप रे बाप। अगर मुझे ये जलन बुझानी है तो मुझे लगता है पानी में कूदना चाहिए। अरे नहीं नहीं, पानी में कूदूंगा तो मैं और जलूंगा, लगता है मुझे ग्रैंडपा और ग्वेन को बताना पड़ेगा। ग्रैंडपा ग्रैंडपा, भागो मत, रुको, मैं बेन हूँ, आपका बेन। अरे बेन, बेन बेटा, तुम ऐसे जल कैसे रहे हो, आखिर ये पॉसिबल कैसे है बेटा? तुमने पूरा हमारा घर जला दिया, ये टेंट जला दिया, क्या तुम सच में बेन ही हो? हाँ मैं बेन हूँ बेन। अरे तो तुम्हें ये क्या हो गया है, पूरे जंगल पे आग लगा दी, ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे एक घड़ी मिली जिसे मैंने पहन लिया और पहन के मेरे साथ ये हो गया है। अरे बेटा उस घड़ी को उतारो, उस घड़ी को उतारो, रुको। अरे बाप रे, तुम तो बहुत गर्म हो, अपनी घड़ी को उतारो। ग्रैंडपा, मुझसे ये घड़ी उतरती नहीं है, चिपक गई है। अरे यार, हम तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं, तुम यही रुको, मैं अभी गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ, फिर हम घर चलते हैं। अरे वाह, ये रहे कुछ इंसान। भैया भैया, मेरी बात सुनिए, हमारी जो गाड़ी है वो खराब हो गई है, आपके गाड़ी के जस्ट बाजू में खड़ी है, हमारी मदद करिए। कौन सी,
वाली गाड़ी है, ठीक है आ जाओ मेरे पीछे पीछे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लगता है ग्रैंडपा गाड़ी को ठीक करने गए हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर पर आग लगी हो और मैं इतना चमक रहा हूँ कि ढंग से कुछ देख भी नहीं रहा है। बेटा बैठो, मुझे तो अपनी गाड़ी नहीं मिली, उन्होंने अपनी ही दे दी, मैं तुम पर पानी मार कर देखूं। ग्रैंडपा लेकिन इससे करने से मुझे दर्द होगा। हो सकता है तुम्हारी आग मुझे, ये लो ये भी लो, अरे तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्रैंडपा मुझे ठंडा लग रहा है, ग्रैंडपा मत करो। अरे सॉरी सॉरी बेटा, जल्दी अंदर आकर बैठो। अरे ग्वेन तुम भी आ गई, तुम कहाँ रह गई थी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन ग्रैंडपा हम अभी कहाँ जा रहे हैं? हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, कम से कम कुछ पता तो चले, तुमने ये क्या हालत बना ली है। ग्रैंडपा सामने देखो कोई है। अरे ये कौन है आखिर, अरे ये तो हमें मार रहा है, ये कौन है। बेटा बच कर रहो। ग्रैंडपा शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसे तो मैं अभी बताता हूँ, इसे लगता है कि ये बहुत बड़ा हीरो है, देखते हैं ये कौन है। अरे ये तो उसे मार रहा है, मुझे भी मार रहा है, इसके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आखिर ये मुझे क्यों मार रहा है, लगता है मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अरे यार ये ले, ये भी ले। ओए तू कौन है, क्या तू अपना परिचय देगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अभी बताता हूँ मैं। बाप रे इसके तो प्रहारों का मुझ पर असर ही नहीं है, लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं इसे पकड़ने वाला हूँ। ये लो पकड़ा गया है, अब मैं इसे अंदर लेकर जाऊंगा। आखिर ये कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसे पता करूंगा। बाप रे फाइनली मैंने उसे हरा कर भगाया, तो पता नहीं वो कौन था और मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा था। गाइस तो ये था वो समय जब बेन को उसकी नई नई ओमनीट्रिक्स मिली थी और वो बस दुश्मनों को मार रहा था और अपनी पावर चेक कर रहा था। धीरे धीरे समय के साथ वो पावर्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गया और उन सबको कंट्रोल कर लिया, और ऐसा करते करते करीबन 5 साल बीत गए। और अब 5 साल बाद क्यों, क्या बोलता है केविन, क्या लगता है इसके सामने से एक ड्रिफ्ट हो पाएगा। वो तो जाएगा बाबा, लेकिन अपने को क्या मिलेगा। अगर हो सकता है बाबा तो एक आज रैम से जम करके दिखाओ। रैम, रैम तो मैं बचपन में करता था, चला दिखाता हूँ तेरे को। लेकिन रैम से तो कुछ खास होता नहीं है, बस गाड़ी की हालत खराब होती है। अच्छा ये वाला रैम, यार ये तो बहुत ज्यादा टफ है। देख रहे बाबा ठोका ठाकी ना है। अरे हाँ हाँ ठोका ठाकी तो नहीं होगी, लेकिन चलो जंप करते हैं। ये देखो रैम से तो अच्छा जंप हो गया, कैसा लगा। मजा नहीं आया रे बाबा। अरे भाई इससे ज्यादा अगर करेंगे ना तो ग्रैंडपा को पता चल जाएगा और फिर ग्रैंडपा डांटेंगे, तुझे तो पता ही है। तुम्हारी ड्राइविंग स्किल ना बाबा अपने को बिल्कुल पसंद नहीं आए। यार केविन तेरी तो ड्राइविंग स्किल मुझसे भी घटिया है, मैं एटलीस्ट गाड़ी तो चलाता हूँ और ठोका ठाकी भी कम करता हूँ, तूने अपनी ड्राइविंग स्किल देखी है, कितनी बेकार है। उई बाबा क्या बोल रहा है तू रे, मेरी ड्राइविंग स्किल को बेकार बोलता है। ए केविन देख देख तू अपनी पावर्स मत यूज कर, अगर मैंने अपनी पावर्स यूज कर दी ना तुझे समझ आ जाएगा कि कौन स्ट्रांग है, फिर कभी ऐसा करेगा नहीं तू। अरे रे रे बाबा अभी भी तेरे को लगता है कि तू मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है, पत्थर का शरीर है पत्थर का, अगर वार कर दिया ना हड्डी टूट जाएगी तेरी, समझ पा रहा है। ए केविन देख मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ और ना ही मैं तुझसे लड़ने की सोचा हूँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे बहन का भी दोस्त है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। ए डरने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, बोलना डर गया, चल अगर मैं जीता तो तेरी एक गाड़ी मेरी हो जाएगी बता। अरे यार केविन अभी भी तुझे मैंने तुझे बचपन में एक बार हरा चुका है, लेकिन फिर भी तू चाहता है तो मैं हराऊंगा। केविन तेरे लिए तो यही काफी है। अरे बाबा अपन को पता था कि तू यही चुपनेगा, अब गायब होके मारेगा मेरे को है ना। अब क्या करूँ तुझे मारना इतना इजी जो है, तुझे तो अब मैं दिख भी नहीं रहूंगा। मुड़ी बावा अगर अपन को मारा तो छोड़ेगा ना, ए अपन के सामने नहीं आने का। हाँ तो तेरे सामने आ भी नहीं रहा हूँ, ये ले। ओए ये गलत है, ओए तू कहाँ है, छोड़ूंगा ना। अच्छा तुझे जानना है क्या मैं कहूँ, ये देख इधर दिख रहा हूँ, लेकिन अब तो मैं इधर हूँ, कैसे करेगा केविन। हार मानता है कि नहीं। मानता हूँ मानता हूँ। देख मैंने तो पहले ही कहा था कि तू बेंटन से नहीं लड़ सकता है, खाम खा अपनी बेइज्जती करा ली तूने, अब मैं तो अपने साथ को घर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ घर, कोई पूछेगा तो बता देना बेंटन से मार खा के लेटा हुआ था और यहाँ पे बहुत धूल उड़ने वाली है, इसलिए अगर तू जमीन पे लेटा है तो बिस्तर पे लेट जा कर जाके। पता नहीं इस केविन के सर पे क्या भूत सवार है, हमेशा मुझसे लड़ने को उतावला रहता है और जब भी लड़ता है मुझसे हार जाता है,
इसे पता नहीं है कि ओमनीट्रिक्स में कितनी पावर है। इसमें बहुत सारे एलियंस की पावर है। अरे मैं बेन 10 को नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे फिर से हराया है। अब मैं अपने विलन विलकैक्स के छोटे भाई से मिलने जाऊंगा। अगर विलकैक्स मिलेगा तो विलकैक्स के साथ मिलकर इसको मारूंगा, और विलकैक्स नहीं मिलेगा तो उसके छोटे भाई के साथ मिलकर इसको मारूंगा। मैं जाता हूँ। अब की बार ये बेन 10 की आखिरी फाइट होगी, इसके बाद वो कभी फाइट के लायक नहीं बचेगा। मुझे कुछ भी करके इस बेन 10 को हराना पड़ेगा, और हराने के लिए मैं कुछ भी करेगा। अरे वाह, फाइनली मैं पहुंच गया। आई होप कि यहाँ पे विलकैक्स जरूर हो रहे बाबा। अरे वो कौन, मुझे जाकर देखना होगा। विलकैक्स, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। अरे विलकैक्स तो दिख नहीं रहा है। विलकैक्स क्या तुम यहाँ पर हो? मैं आज तुम्हें बेन 10 को मारने के लिए। अरे एक मिनट, ये तो विलकैक्स का भाई है, ये तो बहुत खतरनाक है। मैं इससे जाकर मिलूं या नहीं मिलूं मुझे सोचना पड़ेगा। चलो अब आ ही गया हूँ तो मिल लेता हूँ। विलकैक्स के भाई, मेरे पास एक ऑफर है, अगर तुम चाहो तो हम बेन 10 को निपटा सकते हैं। जरूर, बड़े शौक से। प्लान क्या है? मैं उसे बुलाऊंगा, तुम उसे निपटा देना, बात खत्म। बढ़िया प्लान, चलो। अरे केविन मेरे दोस्त, मुझे लगा ही था कि तुझे तेरी गलती का एहसास हो जाएगा। मैं भी तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ केविन, मुझसे भी जल्दबाजी में गुस्से में कुछ गलत चीज हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे माफी मंजूर नहीं है। अरे लेकिन मैं तो तुझे अपना दोस्त समझ रहा हूँ, तू माफ कर दे, गुस्सा मत कर, हम बचपन के दोस्त। बचपन के दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। बेन 10, आज से तू हमेशा के लिए टन टना टन टन टन। नहीं, मुझे धोखा देकर मत मारो, अगर हिम्मत है तो मुझे एलियन बनने दो। हिम्मत से ज्यादा दिमाग है, हमेशा के लिए। बाय बाय बेन 10। और गाइस, ये था बेन 10 का बर्ड टू डेथ। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।